किसी को दर्द देना क्षण भर का खेल है, लेकिन उस दर्द की भरपाई करने के लिए हमारे कई जन्मों के कर्म लग जाते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है जो एक पति पत्नी की है। दोस्तों, यह कहानी आपको जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं से लड़ने के प्रति चेतना देगी। एक बार की बात है, एक पति पत्नी भगवान की यात्रा के लिए पैदल ही जा रहे थे। रास्ते में उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है और उसकी पत्नी की इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। वह व्यक्ति अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। इसका यह कारण है कि उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी। उसने भगवान से बहुत मिन्नत और प्रार्थना की और कहा कि हे भगवान, मेरी पत्नी को जीवित कर दो, नहीं तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। तब भगवान ने आकाशवाणी की और कहा कि तुम्हारी पत्नी की जितनी आयु थी वह जी चुकी है। यदि तुम अपनी पत्नी को जीवित करना चाहते हो तो अपनी आयु में से आधी आयु उसे दे दो। पति अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करता था, इसीलिए उसने कहा कि मैं अपनी आधी आयु अपनी पत्नी को दे रहा हूँ और थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी जीवित हो जाती है। तब उसका पति बहुत खुश होता है और वह भगवान की यात्रा के लिए दोबारा चल देता है। चलते चलते उन दोनों को एक पहर का समय बीत जाता है और वह एक जंगल के किनारे पहुँच जाते हैं। तभी जंगल के किनारे एक पेड़ के नीचे वह दोनों बैठ जाते हैं और थोड़ी देर आराम करने के बाद उसकी पत्नी कहती है कि हे स्वामी, मुझे प्यास लगी है। तब उसका पति कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं पानी लेकर आता हूँ। और जब उसका पति पानी लेने के लिए चला गया, तभी जंगल के रास्ते एक लंगड़ा आदमी बैसाखी के सहारे गाना गाता हुआ चला जा रहा था। उस लंगड़े आदमी का गाना इतना सुंदर था कि उस आदमी की पत्नी उस पर मोहित हो गई और वह लंगड़ा आदमी भी उसकी पत्नी पर मोहित हो गया। अब वह दोनों साथ जीने का वादा कर रहे थे और तभी अचानक उसका पति पानी लेकर आ जाता है। तब उन दोनों में झगड़ा होने लगता है और लड़ते झगड़ते काफ़ी समय बीत जाता है। तभी जंगल के रास्ते उस राज्य के सैनिक आ जाते हैं और उन दोनों को लड़ता झगड़ता देखकर उनको गिरफ्तार कर लिया और राजा के दरबार में पेश कर दिया। अब उनका फैसला राजा के दरबार में पहुंच चुका था। तब राजा ने पूछा कि तुम तीनों क्यों लड़ रहे थे। तब उस लंगड़े गायक ने बताया कि महाराज, मैं और मेरी पत्नी यात्रा के लिए जा रहे थे, तभी जंगल में यह व्यक्ति मेरा सारा धन छीन लिया और मेरी पत्नी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था। तभी आपके सैनिक आकर मुझे और मेरी पत्नी को बचा लिया, नहीं तो यह आदमी मेरी पत्नी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाता। तब राजा ने उसकी पत्नी से पूछा कि यह आदमी क्या सच कह रहा है। तब लंगड़ा गायक और उसकी पत्नी की मिली भगत थी, इसीलिए उसने कहा कि जी हाँ महाराज, ये सच कह रहे हैं। तब राजा ने उस आदमी से कहा कि तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो। तब उस आदमी ने कहा कि नहीं महाराज, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ इनसे इतना कहलवाना चाहता हूँ कि ये कह दे कि अपनी पति की आधी उम्र पर जीवित नहीं है। तो राजा ने कहा ठीक है। तब राजा ने उसकी पत्नी से कहा कि कहो मैं अपने पति की आधी उम्र पर जीवित नहीं हूँ। उसकी पत्नी ने जैसे ही कहा कि मैं अपने पति की आधी उम्र पर नहीं जीवित हूँ, तब उसी वक्त उसके प्राण निकल गए। तब राजा को विश्वास हो गया कि यह लंगड़ा गायक झूठ बोल रहा है और उसको कड़ी सजा देने के लिए कैद खाने में बंद करवा दिया और दूसरे व्यक्ति को अपने राज्य में रहने के लिए स्थान भी दे दिया।